प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल माई टारगेट पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 का केमिस्ट्री का पार्ट 7 वीडियो है, ठीक है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से है। इसमें हमें पढ़ना है अभियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है। अगले पार्ट 6 वीडियो में पढ़े हैं कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। इसमें पढ़ना है कि वियोजन या अपघटन यानी डिकम्पोजिशन और रिएक्शन क्या है, ठीक। उससे पहले हमने पार्ट 6 वीडियो में कुछ प्रश्न दिए थे, उस प्रश्नों का आंसर आप लोग देख लीजिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का था, जिसका आंसर हमने कमेंट बॉक्स में मांगा था, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में मांगा था, उसको देख लीजिए आप लोग। तो देखते हैं, वो प्रश्न था कि कार्बन को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो कार्बन सी होता है, उसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और निश्चित है कि CO2 जो गैस निकलेगा वो CO2 गैस होगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम के फीते को, जिसमें Mg मैग्नीशियम होता है, ठीक, जलाने पर यानी ये भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, क्या बनता है। तो MgO बनता है, सफ़ेद रंग का चूर्ण बनता है, ठीक ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद रंग का चूर्ण बनता है। अब चूंकि ये बैलेंस करना होता है इन्हें, तो इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 ही है, तो इसको 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक ना। कैसे बैलेंस करते, तो इसका वीडियो मैंने दिया है, आप उसे देख लें। और फिर देखिए, 2 हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन, यानी कि ये बता रहा है कि ये जो है 2 ऑक्सीजन है। और फिर एम भी 2 हो गया, 2 हो गया, तो इधर Mg को भी 2 गुना कर देंगे, हो गया बैलेंस, ठीक है। और अगला था कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO का जल से संयोग करने पर, H2O से संयोग करने पर क्या बनता है। तो बताया थे हमने इस वीडियो में, अगले वीडियो में, कि कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बनता है, ठीक ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं भाखरा चूना कहते हैं, ठीक ना, इसी को भाखरा चूना कहते हैं, यानी भाखरा चूना बनता है। अब हम लोग जानेंगे, अगला है कि कैल्शियम ऑक्साइड का साधारण नाम लिखे, इसी बताया, अभी बताया मैंने भाखरा चूना कहते हैं इसको, भाखरा चूना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव में भी, किसी भी एग्जाम में के लायक है ये प्रश्न, इसलिए इन सभी प्रश्नों को किसी भी मायने में आप देखें, याद करें तो अच्छा है आपके लिए। तो देखिए, अगला है कि भाखरा चूना का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम लिखे, तो यही होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या है इसका, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर भाखरा चूना के जलीय विलयन का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो दीवार के सफ़ेद रंग की पोताई में करते, ठीक ना, जो दीवार है हमारा उसका सफ़ेद रंग का जो पोताई करना है, सफ़ेद रंग की पोताई में, मतलब, ठीक ना, पोताई में, आप समझ रहे हैं, ये बताया था मैंने अगले वीडियो में। फिर कि भाखरा चूना वायुमंडल से CO2 का अवशोषण कर कर किसी यौगिक का निर्माण करता है ना, तो बताया था भाखरा चूना CaOH का होल ट्वाइस और प्लस वायुमंडल का CO2 ग्रहण करेगा तो बनाता क्या है, CaCO3 बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और H2O को बाहर कर देता है, इस कारण से पानी इसमें से निकल जाता है, जिस कारण से कैल्शियम कार्बोनेट बचने के कारण एकदम सफ़ेद हो जाता है, ठीक ना, यानी इस यौगिक का निर्माण करता है। अब हमें इस वीडियो में पढ़ना है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो देख लेते हैं। तो बात सही समझ में आ रहा है कि वियोजन है यानी कि बिना योग के यानी टूटेगा, अपघटन यानी होता है टूटना, ठीक ना, उसको 2 भागों में या 2 से अधिक भी हो सकता है, डिकम्पोजिशन जिसको कहते हैं। तो ये वैसी अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, अब वो ये जो पदार्थ होगा यौगिक होगा, तत्व नहीं होगा, ठीक ना, तब यौगिक होगा तभी तो 2 भागों में टूटेगा, तब टूटने से क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनेंगे, वो तत्व भी एक हो सकता है कि यौगिक भी हो सकता है, तो इसे ही वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। इसमें भी वही बात होती है कि जो नया पदार्थ होता है उसका गुण
मूल पदार्थ के गुण से, ये जो मूल पदार्थ है उसके गुण से बिल्कुल मैच नहीं करता, बिल्कुल अलग होता है। ठीक, जैसे की बात कर लेते हैं, समझ लीजिए आप लोग, तो जैसे की बात करें तो ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर जिसको कहा जाता है, ये चूने के पत्थर का सूत्र होता है, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो ये दो भाग में बढ़ जाता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है जिसको खड़ी चूना कहते हैं, दूसरा कैल्शियम का नहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है, ठीक ना। यानी कि एक ही बड़ा सा यौगिक दो भागों में टूटा, इसलिए यह अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। इसी तरह कोई भी हो अभिक्रिया, आप समझ जाएंगे, ठीक है। और फिर है अगला कि वियोजन अभिक्रिया, कुछ नोट पॉइंट है देख लीजिए, इसे वियोजन अभिक्रिया उष्मा के प्रभाव से कराई जाती है, ठीक ना, यानी कि उनको गर्म किया जाता है, उन पदार्थों को हीट किया जाता है, तब जाके वो दो पदार्थों में टूटते हैं, इसलिए इन्हें उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक ना। और देखिए फिर एक कली चूना का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, ठीक ना, ये जो अभी कली चूना आया इसका सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है, इस बात को याद रखें आप लोग, आगे आप लोग के लिए प्रश्न है, ठीक। वो प्रश्न क्या है कि यही जो सिंपल सा जो आपके एग्जाम में पूछता है लिखने वाला, दो नंबर का प्रश्न कि वियोजन अभिक्रिया क्या है या अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो क्या करते हैं कि वही ऊपर वाला परिभाषा देंगे और एक एग्जाम्पल दे देंगे, हम खत्म, एक एग्जाम्पल से ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है, केवल परिभाषा दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, हेडिंग डालिए उसका, एग्जाम्पल दीजिए, परिभाषा दीजिए। परिभाषा देने के वक्त बीच में क्या करना है कि जो मैंने लाल रंग से लिखा, आप लाल रंग का यूज मत करें, आप उसकी जगह पे काले पेन का यूज़ करें, ठीक है, और बाकी नीला, इससे क्या होगा कि जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे प्रभावित होगा, अच्छा अंक देगा आपको। तो ये सिंपल सा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा, और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप है जो किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये देखिए इसका आप लोग जवाब मुझे कमेंट में दें, क्या है ये प्रश्न। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र लिखें, चूना पत्थर अभी जिसके बारे में हम जाना उसका रासायनिक सूत्र लिखना है। फिर है कि CaO का उपयोग बताएं, कहाँ करते हैं अभी। फिर वियोजन अभिक्रिया किसके प्रभाव से संपन्न होती है, ठीक ना, यहाँ पे संपन्न होती है, आगे मैंने लिखा, तो इन सभी प्रश्नों का आप जवाब दें मुझे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप किसी भी क्लास का पढ़ाई करना चाहते हैं, क्लास 9, 10, 11, 12 या कंपटीशन का, तो इसे सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरा चैनल आपके YouTube वाले सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन से जुड़ जाएगा। आप देखिएगा YouTube अपना खोलिएगा तो उसमें होम के बाद लाइब्रेरी ये सब दिया रहता है ना, उसमें सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन दिया होगा, उस पर क्लिक करिएगा तो मेरा चैनल आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मेरा पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और फिर इसे लाइक करें, शेयर भी करें, और अपने दोस्तों को, और क्या कहते हैं, जो सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन आएगा उसको भी दबा लें, इससे क्या होगा कि नया वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा तुरंत आपको मिलेगा, जिससे आप नए वीडियो के बारे में जान जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो धन्यवाद,